हेलो फ्रेंड्स कैसे बढ़िया आप फर्स्ट क्लास यस yes, सर चलिए सर आज हम एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हो कि नहीं होने किया जा रहा है अब जीएसटी डिपार्टमेंट कर क्या रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जीएसटी डिपार्टमेंट अब नोटिस इश्यू कर रहा है उन लोगों के ऊपर जिनको पैसे देने हैं अमाउंट पे ऑफ करना है डिफॉल्टर्स का सर बात बिल्कुल समझ में नहीं आई समझे आपने मुझे सामान बेचा आपने मुझे सामान बेचा तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आई विल बी ट्रीटेड एज अ डेटर मैं आपके बुक्स में डेटर्स की तरह ट्रीट किया जाऊंगा ठीक है सर यानी मैं आपको पैसा दूंगा आप हमसे पैसा लेंगे और आप, आपका स्टेटस क्या है कि आप जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड तो हैं जो आपने माल हमको बेचा है उसके अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट को क्या देना है टैक्स का पेमेंट करना है आप डिफॉल्टर दि, हैं आप क्या है डिफॉल्टर दि, हैं आपने टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया केवल मेरा वाला नहीं किसी का भी नहीं किया डिफॉल्टर मीन जो टैक्स का पेमेंट ना करता हो और आपकी बुक्स में मैं डेटर्स हूं यानी कि मुझे आपको पैसा देना है अब गवर्नमेंट ने पकड़ा मुझे गवर्नमेंट पैसा देगा उसको मैं ने आ, मैंने माल खरीदा ईमानदार आदमी हूं उसको पेमेंट तो करेगा वो फिर डिफॉल्ट करेगा उसका तो नेचर ही है वो पेमेंट हमें नहीं कर रहा और देश को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए हमें तो अपना कलेक्शन चाहिए भाई तू ईमानदार है तू उसको पेमेंट कर देगा वो फिर अपनी जेब में रखेगा तो एक काम कर काम कर देसी कलाकार सॉन्ग याद आ गया तो तू एक काम कर तू अपनी जेब से पैसा निकाल जो तुझे उसको पैसा देना था वो हमें दे दे टैक्स का सारा नहीं, का. अब जितना उसको का देता इंस्टेड ऑफ मेकिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स डायरेक्टली टू हिम ट्राई टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स टू अस गवर्नमेंट ने ऐसा कहा मैंने कहा ये कहा लिखा है ये कहा लिखा है भाई कि मैं तुम्हें पेमेंट करूं कल वो हमसे पैसा मांगेगा उसका मेरे साथ डिस्प्यूट होगा और हम लोग चले जाएंगे कोर्ट ताता थैया खेलेंगे कोर्ट में और तुम क्या करोगे तो गवर्नमेंट ने करना हम जो काम करने जा रहे हैं ना हम उसके लिए आपको एक सेक्शन वन फोर्टी रूल फोर्टी फाइव बता रहे वन फोर्टी फाइव रूल नंबर वन उसके अकॉर्डिंग जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि, कि किसी भी थर्ड पार्टी को नोटिस भेज करके उससे टैक्स कलेक्ट कर सकता है एक पावर है रूल नंबर 145 के हिसाब से आप देख सकते हैं सामने मैंने कहा अच्छा और अगर मैं तुम्हें पेमेंट कर दू कल तो वो मुझसे पैसा मांगेगा तो मैं क्या कहूंगा तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है एक काम करते हैं उसका भी सोल्यूशन है हम सबसे पहले आपको नोटिस भेजते हैं डीआरसी थर्टीन में किसमें डीआरसी थर्टीन में हम आपको नोटिस भेज रहे हैं इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि आप एक डेटर्स हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के आपको उसको पेमेंट करना है तो आपका जो टैक्स का फिगर बनता है सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, जी एस टी केस इट जी एस टी वॉट एवर यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ टैक्सेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन सेवेंटी नाइन ऑफ सी जी एस टी एक्ट अगर आप इसका पेमेंट कर देते हैं तो बल्ले बल्ले फिर आपको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस बंदे को आपको जो पेमेंट करना आप रहो, उसको हमें उससे कोई लेना देना नहीं है आप करते प्रूफ डीआरसी तो थर्टीन में हम नोटिस दे रहे हैं हमें टैक्स का पेमेंट करो और डीआरसी फोर्टीन में हमसे सर्टिफिकेट ले लो दिक्कत क्या है सीधा सा हिसाब है डिपार्टमेंट हमको नोटिस देगा डीआरसी आर थर्टीन में और हमें कहेगा आपको पेमेंट नहीं करना है टैक्स का अब उसको आप उसको हमें डायरेक्ट पेमेंट करोगे करेंगे टैक्स का जो अब फर्दर मोर आपको पेमेंट करना है पहली चीज दूसरी चीज कि अगर इस नोटिस के बाद अगर आप उसको पेमेंट कर देते हैं टैक्सेस का तो उसके लिए आप पर्सनल लेवल होंगे अगर आपको दोबारा वो पेमेंट करना पड़े तो वो हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं वो नोटिस में साफ साफ लिखा रहेगा ये देखिए यहां पर यू आर हेयर बाय डिटेक्टेड डायरेक्टेड टू पे सेक्शन सेवेंटी नाइन वगैरह के हिसाब से पूरी कहानी लिखी रहेगी कि आपको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आप पेमेंट हमको करें अगर आप इस नोटिस के मिलने के बाद कोई भी पेमेंट उसको करते हैं हमारे टैक्सेस का तो उसके लिए आप पर्सनल लेवल होंगे अगर वो डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है तो चलिए ठीक है लेकिन अगर मैंने कहा हम आप, आपको डायरेक्ट पेमेंट कर दें तो तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हमसे आप डीआरसी फोर्टीन में सर्टिफिकेट ले लेना और उसके मुंह पर दे मारना उसके मुंह पर दे मारना जो डिफॉल्टर है तो कहने का मतलब यह है गवर्नमेंट को टैक्सेस कंप्लीट कलेक्शन चाहिए देखिए ना गवर्नमेंट इस बात में बिल्कुल भी सही है मैं ईमानदार हूं मैं आपको पेमेंट दे रहा हूं आप डिफॉल्ट कर जा रहे हो मैं तो यह मानता हूं ना कि जो मैं पेमेंट आपको कर रहा हूं यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एंड यू डोंट एनी इंटेंशन टू स्केप टू मेक द पेमेंट ऑफ दोज अमाउंट यू वोंट ट्राई टू डू दैट ये मान करके मैं चलता हूं लेकिन अब जो मुझे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है कि वो रेगुलर डिफॉल्टर है हम उससे पैसा नहीं ले पा रहे या वो डिफॉल्ट करता है आप हमें डायरेक्ट दे दो तो दैट इज ओके मुझे कौन सा नुकसान हो रहा है लेकिन हाँ कुछ चीजें यहां लिटिगेशन और डिस्प्यूट बढ़ेंगे परचेजर और सेलर्स के बीच में एक तो रिलेशन खराब होगा दूसरा डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे तीसरा Uh, हो सकता है अमाउंट को लेकर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो सामने वाला कह रहा है हमें है हमें आपसे तो लेना लगा लाख में चार लाख अब उसकी बुक्स में तो दिख रहा है पांच लाख जबकि मेरी बुक्स में दिख रहा है चार लाख जो भी हो डिस्प्यूट वगैरह जो भी कुछ भी हो स्टॉक डेफिशियंट हो या स्टॉक लोअर क्वालिटी का हो या स्टॉक ना पहुंचा हो जो जो कुछ भी केस हो तो अगर अगर इस अमाउंट्स को लेकर के डिस्प्यूट है तो उस केस में तो मुझे नुकसान ही होगा है हाँ ना मुझे तो अब गवर्नमेंट कहेगी तेरा वहां पांच पांच तेरा पांच तो पांच पर पांच लाख का हिसाब है तो लाख दे कहने का कुछ ना कुछ इस तरह से कुछ प्लस या माइनस चलेंगे लेकिन हाँ एक अच्छा स्टेप भी है डिफॉल्टर्स के लिए सबक सिखाने के लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ आपके सामने आएंगे तो